जनपद की स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की टीम ने प्राइवेट हॉस्पिटलों पर छापा मारा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि प्राइवेट 21 हॉस्पिटलों का गोपनीय जांच करवाया गया था, जिसकी सूची मिली थी, जिसमें जो अधिनियम है कि प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर की तैनाती व अन्य सुविधाएं होनी चाहिए वह नहीं है, जिसको देखते हुए मजिस्ट्रेट व डॉक्टर की संयुक्त टीम ने 25 अस्पतालों का जांच किया है। जांच में कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो मुकदमा दर्ज करवा कर न्यायालय में पैरवी करवा कर हॉस्पिटल को सील किया जाएगा। वही संबंध में उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार अपर सीएमओ की संयुक्त टीम के साथ 5 हॉस्पिटल पर छापा डाला गया है, जिसमें कुछ कमियां पाई हैं, जिनमें कुछ हॉस्पिटल को सील किया गया है। उन्होंने कहा, सबसे पहले टीम नवजीवन हॉस्पिटल पहुंची है, जिसमें कुछ कमी पाई गई है, जिसको देखते हुए तत्काल नवजीवन हॉस्पिटल को सील किया गया है, जिसमें न मेडिकल स्टोर न कोई प्रमाण पत्र था। उसके बाद टीम बचपन क्लिनिक पर पहुंची, जहां पर डॉक्टर मौजूद थे लेकिन वहां उनके पास कोई स्टाफ नहीं था, जिस पर तत्काल बचपन क्लिनिक को सील किया गया। इस तरह एक हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर का प्रमाण पत्र नहीं था, उसको भी सील किया गया। उन्होंने बताया कि टीम वैष्णवी हॉस्पिटल पहुंची, जो कि बंद थी, लेकिन जांच में हॉस्पिटल चालू था और वहां पर कई मरीज भर्ती थे, जिसको देखते हुए वहां के मरीजों को CSC एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया। उस हॉस्पिटल को भी सील किया गया है। नेशनल क्लिनिक पर भी छापा डाला गया, जिसमें कमियां पाई गई। उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी ने बताया कि दिन भर का निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिसके आधार पर जिलाधिकारी के निर्देश पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला सूचना व स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जनमानस के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रही है। ये ऑपरेशन कौन किया है? पथरी वाला बुलाओ, रामदेव को ट्रेनिंग पे आए, भेजो उसको।
जितना चलना है उतना चलेगा, जितना जो इसको PhD में लिखा होगा। अल्ट्रासाउंड मशीन भी यहाँ देखिए, डॉक्टर साहब है क्या? क्या नाम है इसका? तो अगर इसका भी हालत मैडम, इसका भी हालत अगर कुछ तो भी माना जाता है, ये भी उस लायक नहीं। हेलो हेलो, ऐसा है? हेलो भाई, ये मतलब है भर्ती है सब कुछ तुम्हारी ठीक है, यहाँ पे आईसीयू का कोई वो ही नहीं होगा। आप यहाँ पर निर्भर कर दीजिएगा, या तो सेटल है कोई बात ही नहीं है, सेटल लग रहा है सब, कुछ तरह का मरीज नहीं है, ये सब रखे हुए हैं सब। भाई अल्ट्रासाउंड वैसे भी है ना, खास करके अल्ट्रासाउंड भी होता है क्या? बनाए होंगे। हेलो इसका फोटो लीजिए, ले लिया, वीडियो बना लीजिए। इसको जो है थोड़ा सा डिस्प्ले बुखार पड़ी थी, उससे ज्यादा उल्टी बुखार हो रहा था। अच्छा अच्छा, हां हां, तो मैं कल वाले रेलिए सर करा, एक सारा खाता के बम लेकर जांच करा, जब खून निकल आया ना जूता लेकर चेक करा। अच्छा, जूता में लिख चली आई है माला के मार के। कितना पैसा खर्च हुआ है? कितना पैसा खर्च हुआ? अभी नहीं, कोई रुपया नहीं दिया है, अभी नहीं दिए हैं। अच्छा अच्छा, आपके बिटिया का कितना पैसा खर्च हुआ है? इनका ऑपरेशन हुआ है लग रहा है, किस चीज का ऑपरेशन? पथरी का। कितना पैसा खर्च हुआ है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? कितना 18,000 दिन है, और अभी डिमांड भी होगा कुछ? हाँ, छुट्टी के बाद कितना बताते हैं, अभी बताए नहीं। अभी ऑपरेशन किया है तो 18,000 जमा करवाए हैं। कहाँ इनका पूरा पता नोट कर लीजिए, अंदर बच्ची जली हुई, उसको भी सब पैक किए हुए हैं। क्या जली हुई? अच्छा, इनका ऑपरेशन का कितना खर्चा आया है? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ ट्रस्ट नहीं चला रहे हैं, कुछ तो जमा आप लोग किए होंगे तब जाके। बोले हैं लो जाइए, हम मतलब आप टाका काट के छुट्टी करता है यहाँ। कितना पैसा लेंगे तुम? भाई 10,000 लिए हैं, और अभी छुट्टी करेंगे तो पूरा अपना खर्चा बता के आज DM सर के निर्देश के क्रम में मैं डिप्टी DHIO और नायब तहसीलदार सर और अपर CMO सर, तीनों लोग संयुक्त रूप से निरीक्षण किए हैं। 5 हॉस्पिटल चिन्हित मिले थे जिस पे हम लोगों को निरीक्षण किया जाना था, और निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई हैं उसके आधार पे कुछ हॉस्पिटल को सील किया गया है। नवजीवन हॉस्पिटल में हम लोग सबसे पहले गए हैं, वहाँ पर काफ़ी कमियाँ थी, इस वजह से वहाँ उस हॉस्पिटल को सील किया गया है। मेडिकल स्टोर भी था, और हॉस्पिटल का ना कोई वैध प्रमाण पत्र था, ना मेडिकल स्टोर का कोई वैध प्रमाण पत्र था, इस वजह से उसको सील किया गया है। उसके बाद बचपन चाइल्ड क्लिनिक करके था, वहाँ पे हम लोग गए हैं, मौके पे डॉक्टर तो थे लेकिन बाकी उनके पास कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं था, इस वजह से वहाँ भी सील करना पड़ा है। एक हॉस्पिटल और हम लोग निरीक्षण किए हैं, वहाँ पे मेडिकल स्टोर का कोई प्रमाण पत्र नहीं था, डॉक्टर मौके पे थे तो मेडिकल स्टोर सील किया गया है, और पेशेंट भी एडमिट मिले थे। उसके बाद वैष्णवी हॉस्पिटल पे हम लोग आए हैं, वैष्णवी हॉस्पिटल पे देखने को ये मिला है कि बाहर से ताला लगा हुआ था, और वहाँ पे एक स्टाफ नर्स थी बैठी हुई थी तो बता रही थी ये हॉस्पिटल काफ़ी दिन से बंद था, जबकि वहाँ पे हम लोगों को संशय लगा है तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वहाँ पे ताला खुलवाया गया है। उसके बाद वहाँ पे अंदर कई पेशेंट जो सीरियस भर्ती थे, एक बच्चेदानी ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, एक बुखार पीड़ित पेशेंट था, और एक जली हुई एक बच्ची थी उसको एडमिट किया गया था, एक और पेशेंट भर्ती था। सबको हम लोगों ने फिर CSC एम्बुलेंस बुलवा के, 3 एम्बुलेंस बुलवाए हैं, और उसके बाद उनको CSC ट्रांसफ़र किए हैं। उसके बाद उस हॉस्पिटल को भी सील करके हम लोग आए हैं। कार्रवाई भी किया गया नंदा को बुखार? अब सर आप अभी निरीक्षण आख्या हम लोग तैयार कर रहे हैं, निरीक्षण आख्या DM सर को प्रेषित की जाएगी, DM सर का जैसा वो रहेगा उसके बाद कार्रवाई होगी।
जैसे हमारे गोपनीय जांच में ऐसे करीब 21 अस्पतालों का हमें सूची मिली थी, जिसमें जो अधिनियम है PCPNDT के अंतर्गत जो अस्पतालों में अवस्थापनाएं होनी चाहिए, डॉक्टर्स की तैनाती होनी चाहिए, वो उसके अनुसार नहीं था, नियम के अनुसार नहीं था। तो आज मजिस्ट्रेट्स और डॉक्टर्स द्वारा संयुक्त रूप से इनकी जगह पे सत्यापन किया गया है। जहाँ भी कोई भी उल्लंघन मिलेगा, नियमानुसार मिलेगा, तो उसको गंभीर मानते हुए उसमें प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी और उसमें कंप्लेंट फाइल करवा के माननीय न्यायालय से उसमें पैरवी करते हुए उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको सील किया जाए।